हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गाइस, आज मैं कपकोट शिवालय मंदिर में गया हूँ पूजा अर्चना के लिए। पंडित जी ने बोला था कि आज के दिन आप पूजा पाठ कीजिए, तो मैं गया हूँ। मैं कैंप के दौरान से यहाँ पे सुबह मॉर्निंग टाइम पर यहाँ आ रखा हूँ, और ये देख सकते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करूँगा। और माता रानी और शिव जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी फैमिली पर बनी रहे। गाइस, ये मंदिर है, संजय का मंदिर, शिव जी का मंदिर। ये गुरु जी हैं और आप देख सकते हैं। मैं पूरा लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। और ये सरयू नदी के तट पर ये मंदिर बना हुआ है। ये पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर्स से हमें ऑक्सीजन देता है। मैं जा रहा हूँ नदी में जल लेने। दोस्तों, मैं ला गया पानी भर के, और निजी जो है अभी पूजा अर्चना का सामान लाते हुए। दोस्तों, यहाँ पर जो है गुरु जी पंडित जी पाठ करते हुए, और मैंने आज पाठ रखा था तो पाठ करने के लिए आ गया सुबह शिवालय के मंदिर में, कपकोट शिव जी के मंदिर में। ये शनिदेव जी का मंदिर है। जय शनिदेव, ओम शनिचराय नमो नमः। भैरवनाथ जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं गाइस,
बहुत अच्छा वातावरण गए यहाँ पर, एक सुकून मिलता है मंदिर में, सुख शांति। और यहाँ पर बंदरों का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में तादाद बंदर देखना पड़ता है। भोलेनाथ जी का मंदिर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये सनदेव महाराज का मंदिर है, सनदेव सभी की, सभी भक्तजनों का कष्ट दूर करें। और ये भैरवनाथ जी का मंदिर, ओम नमः शिवाय, ये भोलेनाथ जी का मंदिर शिवलिंग, दिया जला है आप देख सकते हैं गाइस। भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, जय भोलेनाथ। ये पीपल का पेड़ है गाइस, देख सकते हैं पूरा वर्षों पुराना पेड़। ये वाला मेन गेट है, आज यहाँ पे कम भीड़ है। जब यहाँ पे पूजा या कोई ऐसा पर्व आता है तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है गाइस। आप देख सकते हैं मैं पीपल के जस्ट नज़दीक खड़ा हूँ, इतना बहुत बड़ा पेड़ पीपल का पेड़। मैं पूरा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आज मैं शिवालय मंदिर कपकोट में उपस्थित हूँ गाइस, पूजा अर्चना के लिए आ रखा हूँ पंडित जी पाठ करते हुए। देख सकते हैं भाई। ये बहुत बड़ा पेड़ है पीपल का, आप देख सकते हैं। पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस मैं आपको। ये मंदिर में बेलपत्र का पेड़ है,
शिवजी मंदिर कपोर्ट के आंगन लगा हुआ आप देख सकते हैं। जय भोलेनाथ। दोस्तों पाठ पूरा होने वाला है और थोड़ी देर में पाठ पूरा होगा, मैं मंदिर से घर की ओर चलूँगा गाइज। और मैंने आज का जो दृश्य आपको दिखाने की कोशिश की, शायद आप लोगों को पसंद आया हो। भोलेनाथ की कृपा, शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे गाइज। और आप लोग सभी सुख रहे, शांत रहे, आपकी पूरी फैमिली खुश रहे। आप देख सकते हैं गाइस, मैं दिल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ नई जगह का दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा, उसके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। हर हर शंभू, हर हर शंभू। जय भोलेनाथ।